गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज आशीष, आपका अपना आशीष। हम सब नेक्स्ट सेलिब्रिटी सीरीज इज गोइंग ऑन और आज एक और एपिसोड जुड़ने वाला है। उसमें आज एपिसोड है फिटनेस का। मॉर्निंग में रोशन और मैं आए हुए लगभग 6-7 बजे जुड़े हुए हम लोग। हम आए हैं परफेक्ट फिट एंड फैब जोन भव्यति कुंज रेलवे स्टेशन रोड रुड़की। हम आए हैं, ये थोड़ा सा देखो स्टेज बुक करना बना यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे जिम नहीं है प्रॉपर, जितना भी है एरोबिक जुम्बा योगा क्रॉसफिट कार्डियो जितने भी है एक बहुत ही ये लग रही इसकी ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिम करते रहते हैं कि हर कोई नहीं प्रेफर कर पाता, तो आइए विजिट कराते हैं आपको। एक बहुत अच्छा इन्होंने रुकी में एक स्टार्टअप किया है। स्टार्टअप क्या, एक आपको एक छत के नीचे हमारा इतने सारे एरोबिक्स जुम्बा योगा क्रॉसफिट कार्डियो न्यूट्रिशन प्लान ले सकते हैं और कस्टमाइज्ड रूटीन को फॉलो करना है तो हमारे जो फिटनेस गुरुजी हैं और जो हमारी मैम है ये बहुत ही एक्सपर्ट है। काफी समय से अपनी सेवाएं जो है रुड़की शहर में देते आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर अभी आउटलेट हो गया है। समर वेकेशन आ रही है, जो हमारे किड्स हैं वो मतलब यह है कि पूरा साल जो है हेक्टिक रहता है, लेकिन यह है कि एक दो महीने के लिए आ सकते हैं जो हमारी हाउस वाइफ है जो वुमेन। तो आइए जानते हैं हमारी आकांक्षा मैम से। मैम मेरे को एक चीज बताइए, जो आपने स्टार्ट किया है आप कितने समय से हैं इस फील्ड में? जैसे न्यूट्रिशन ट्रेनर में 5 साल से वर्क करती हूँ, लेकिन अभी पहले मैंने अपना योगा लिया नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपना पूरे दिन का शेड्यूल होता है दो जगह दो जैसा, तो यहाँ पर आके लोगों को हम लोग सिर्फ ना ही वर्कआउट ही नहीं ऊपर नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा एरोबिक्स है ये जो जिम्बा सेंटर चल रहा है जिम से कैसे अलग है, कैसे इसको थोड़ा सा उसे वो करते हैं क्लासिफाई करते हैं उससे? जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो मैं किसी चक्कर नहीं बोलूंगी, यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं कि हम लोग मशीन से एक्सरसाइज कराते, हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो होता है जो फिजिकल एक्टिविटी होता है हर एज का पर्सन कर सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे पर्सन ओवरवेट हो रहे हैं, बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी ओवरवेट हो रहे हैं, तो वो जिम में अगर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी हार्ड एक्सरसाइज करनी होती है, मशीनों से करनी होती है, बट हमारे यहाँ नॉर्मली वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सकते हैं डांस के थ्रू और अपने प्रॉपर नॉर्मल नेचुरल एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं, योगा जैसे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वो जिम छोड़ने के बाद अगर वो एरोबिक क्लासेस क्लोज भी करते हैं तो उसके बाद वो एक्सरसाइज अपने घर में रेगुलरली कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर यहाँ पे एरोबिक्स में जुम्बा क्लासेस में कोई आता है हमारा जो भी हमारा मीटअप में व्यूअर है ये आता है, तो इसके बाद में ये है कि जब तक आप यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू उसके बाद में आप घर जाके भी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज जो अभी हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं जो 5th, 10th, 8th किंडरगार्टन के हैं स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ डांस के ऐसा भी हमारे तो कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है। यस, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जून है जैसे, तो जून के मंथ में हम लोग यहाँ पर समर कैंप कर सकते हैं, तो बहुत सारे पर्सन है अपने बच्चों को डांस क्लास भेजना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ट्रेनर है कोरियोग्राफर भी है और डांस अकेडमी भी चलाते हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं डांस क्लास पे। तो मैम ने ये बताया कि बहुत जरूरी यहाँ पे डांस क्लासेस और जो एक रहती है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली है, तो मैम मेरे को अच्छी बताइए प्रतीक त्यागी सर हैं, आप दोनों मिलके इस सेंटर को बहुत अच्छा चलाए हैं,
तो सर का कितना वो रहता है इस काम में, सर कितना आपको हेल्प कर पाते हैं? और दोनों के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो नॉर्मलिटी अगर एक और 11 होते हैं और जब मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत आगे जाने वाला है। तो मैम अगर पैकेज की बात की जाए तो एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए पूरा एकदम पैकेज, कोई भी आए यहाँ पे सर आप बता दीजिए पैकेज जो हमारे पास यहाँ पे है एरोबिक जुम्बा तो कैसे रहता है? सर हम इसमें क्या करते हैं, आपने आपका एक क्वेश्चन था जिम के रिगार्डिंग, मैं उसको भी एलिब्रेट कर रहा हूँ। जिम में क्या होता है कि आप बैठ के सिटिंग करके एक्सरसाइज करते हो। हमारे एरोबिक स्टेप एरोबिक जो ये मेडिकल साइंस के थ्रू प्रूव है, 1968 में एक अमेरिकन डॉक्टर थे उन्होंने ये सर्विस दिया था, और ये आपकी जितने भी आप कहते हैं ना कि फेफड़े हमारे ऐसे पंप करते हैं, जितना आप एरोबिक स्टेप एरोबिक करेंगे ना तो आपके फेफड़े इतने ज्यादा बहुत ज्यादा वो करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि एरोबिक एक्सरसाइज मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए, जिम जिसका मन है जिम करते रहिए, वो चॉइस है। पर एरोबिक एक्सरसाइज ऐसा है कि आप, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है ना, कोई बंदा एक महीने से जिम कर रहा है, एक महीने से एरोबिक एक्सरसाइज कर रहा है, उसका सैलरी लगा हो क्योंकि खुद फिजिकल एक्टिविटी करना। जिम में क्या है, जिम में आप बैठते हैं, बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं किसी को गलत आंसर वो नहीं कहना चाह रहा कि जिम गलत है, अपनी जगह सब सही है, पर मेरा मानना है कि एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर देता। और जो आप ये माने की 45 मिनट एक मैच होता है, हर बंदा उसको नहीं हो पाता, पर धीमे धीमे जैसे जैसे आप उसको स्टैमिना बनाओगे तो आप डेढ़ घंटे का मैच लेंगे। तो गाइस 800 रुपए में आपको रोटी में से लेकिन मिलेगी एकदम फ्रेश, एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट है, और हमारे सर का प्रदीप त्यागी सर का, आकांक्षा त्यागी मैम का गाइडेंस तो है ही, तो देखते रहिए मीटअप में। गाइस हम देख पा रहे हैं हमारे पीछे अपना परफेक्ट फिटेंट है जो उनका एक लोगो है, तो इन्होंने एक स्लोगन दिया है, हम दुनिया को फिट बनाएंगे। तो सर मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्लोगन आपने दिया है तो ये कहाँ से आया, क्या दुनिया को फिट बनाएंगे, क्योंकि फिटनेस आजकल कोविड के बाद में से बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है। एक्चुअली सर पता क्या है, लोगों के ना माइंड में क्या है कि हम अच्छे कपड़े ले लेंगे, लग्जरी लाइफ जी लेंगे, पर कोई भी हेल्थ पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। लोगों के दिमाग में सिर्फ सिंपल सा एक फंडा है कि यार हमारे पास पैसा बहुत है, हम आराम से 10 बजे उठेंगे, पूरा रूटीन डिस्टर्ब करेंगे। हमारा एक दिमाग में एक दिन ऐसे ही आया कि यार क्यों ना हम लोगों को ना ये जो हमने क्लब खोला, कि इसलिए खोला कि हम लोगों को फिट बनाएंगे, ये स्लोगन इसलिए दिमाग में आया कि हम लोगों को फिट बनाएंगे, तो लोग देख के लगेंगे यार इनमें कुछ स्लोगन है, आपका कुछ रिजल्ट आएगा। अपने आप में बहुत बढ़िया, तो अभी फीडबैक ही लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पे जो लेकिन हमारी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, हम न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमारी जो गोल होता है नॉर्मली, अगर हम 50% अपनी डाइट पे फोकस करेंगे, 25% एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, 25% रेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अवर फिटनेस जर्नी, तो ये सब चीजें मिलती हमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे तो हमें, और डाइट पे नहीं फोकस करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको तीनों का कॉम्बिनेशन, रेस्ट प्लस न्यूट्रिशन वाला फूड प्लस आपको एक्सरसाइज, वो तीनों मिलकर ही आपको 100% रिजल्ट दे। तो मैम ने बहुत अच्छी बात की कॉम्बिनेशन की, हमारे साथ हमारी मैम पूनम सिंह मैम और अनिल सर हमारे सर स्वागत है, मैम स्वागत है। तो आप लोग एक चीज बताइए, आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं कितने समय से, आप यहाँ पे जुड़े हैं इस क्लब में? सर हम 3 महीने से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से हर एक्टिविटी कराती हैं मैम और सर, और जो यहाँ के ट्रेनर हैं वो मस्ती फन किस तरीके से हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन लेके यहाँ पे आ रहे हो आप? नहीं, 3 महीने आते हैं और अपना जो वेट है, जो फिटनेस है वो भी आपको गेन हो जाती है, जो आप यूज करना है किसी को। यस, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, इसमें आके आपका फैट लॉस भी होता है, इंच भी लॉस होते हैं, अपनी एक्टिविटी भी होती है। अगर आप घर में रह के करते हो तो अलग ही एक्टिविटी होती है, और यहाँ ग्रुप में अगर हम करते हैं तो अलग ही एक्टिविटी होती है, और थोड़ा माइंड हमारा फ्रेश होता है, एनर्जी के माहौल मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब लोग घूमा कर रहे हैं अपना फिटनेस की तरफ, सब लोग एकदम वो है बहुत ही ज्यादा।
क्यूरियस हैं तो सब लोग बोले मोटिवेशन मिलता है। तो मैम आपसे कोई चीज आई, अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं कि कोई यहाँ पे आए तो किस माइंड सेट के साथ वो आए, हम नहीं कहते मैं सकता है। अभी सर मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप घर से बाहर निकलो, आपको एक बहुत अच्छा मतलब मिल रहा है कि आप प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आप कहते हो ना कि मुझे जिम नहीं जाना। जिम से बहुत लोग परहेज करना चाहते हैं कि मैं जिम नहीं जाऊंगी, डंबल उठाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो यहाँ फन के साथ, मस्ती के साथ, जुम्बा के साथ, अरबिंग के साथ हर एक्सरसाइज करा के हम आपका ब्रेकफास्ट कराते हैं। खुद मैंने महसूस किया है कि पहले की एक्टिविटी में जब घर में रहते करते थे, अभी क्लास में आते जो लोग चेंजेस आए हैं तो आप सभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है, आप ज्वाइन कीजिए हमारे क्लब को और अपने आप को फिट कीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जीबी सिंह सर। सर स्वागत है मीटर मैनेजर आपका। सर आप लोग बताइए आप इस क्लब से कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 4 महीने से जुड़ा हूँ। 4 महीने और यहाँ पे हमें बड़ी फायदा हुआ है कि उनको बोलने के अंदर बहुत क्या देते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे जो तीन होती है जुम्बा होती है, एरोबिक होती है और भी हेल्थ की बीमारी होती है, इससे बहुत थोड़ी सी होगी और मेरे को इसके अंदर जो चीज सिखाई जाती है समझता हूँ आस पास के एरिया में सिखाई जाती है। ये सर ने बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया है, ये जो एक छत के नीचे सबको जितना मिल रहा है ना यहाँ पे ये कहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है सारे जताइए एक्सरसाइज करने वाले जो हमारे ये बिल्कुल लेटेस्ट में हमारे और जो यहाँ के जो हमारे ट्रेनर है और इसके अलावा जो यहाँ पे नॉलेज है जो प्रॉपर चैनल के थ्रू से नहीं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जा रहे हैं और इस ट्रेंड के हिसाब से बात नहीं करता है पानी की वो नई चीजें एक्सपेक्ट करता है तो बॉडी बहुत जल्दी फिट हो जाती है। और ज्यादातर यहाँ पे तो लोग आते हैं जैसे ट्रेनिंग है जो हाउस वाइफ है उनका वेट की प्रॉब्लम है, वेट लूज के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे सारा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो बॉडी की जो प्रॉब्लम है जैसे बैक पेन हो गया बॉडी पेन ठीक करा जाता है यहाँ पे। तो हमारे सर ने जी हमको एक बहुत अच्छा मैसेज किया, यहाँ पे एक बार आए और खुद ही अपनी बॉडी में अपनी लाइफ में आप महसूस करें, खुद महसूस करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे उस समय आप बिताएंगे एक घंटा डेढ़ घंटा पर डे आपको अपने आप अपनी बॉडी के अंदर जो फर्क दिखेगा वो बहुत अलग हो। तो हमारे साथ चुप चुके हैं हमारे युक्ति मैडम। मैडम कहना है उनको इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कृपा कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी युक्ति मैडम है दिखने में छोटी सी है लेकिन जो उनका एक्सपर्टीज है जो उनका एक्सपीरियंस है वो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कह ज्यादा है। 3-4 साल से फिटनेस में काम कर रही है यहाँ पे भी स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है और जो यहाँ पे पहले हमारे आते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे बंदे आते हैं वो युक्ति को युक्ति मैडम ही कहते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल देखने वाला होता है। युक्ति क्या बोलना चाहोगे आप? और ये मैं मतलब इतना अच्छा क्लब मैं आप शर्म कर रहे हो तो कैसे देखते हो आप युक्ति के लोगों के एनर्जी को? जो यहाँ पर लोग आते हैं मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप इसको एक घंटा कराओ एक घंटा कराओ ये कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि हम नहीं करेंगे, अगर मैं बोलती हूँ कि आपके लिए इतना ठीक है तो ये बोलते कि नहीं हमें और करना, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर वर्कआउट करते हो आपको 1 वीक लगेगा थोड़ा बॉडी पेन होने में, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको वर्कआउट करना ही चाहिए पर लेकिन आपको उसके बाद से डाइट लेनी चाहिए जैसे 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज। तो मतलब मैं बोलती हूँ ये रूल्स आप फॉलो करें और ये नहीं है कि आप आपकी एज बढ़ रही है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई एज नहीं होती एक्सरसाइज करने की या ना भी आप करते थे ये भी बड़े थे हमारे यहाँ बच्चे भी आए हैं उनको 51-2 एक्सरसाइज के एज ग्रुप में आते हैं, कोई लिमिट नहीं है एज की भी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको। और युक्ति की युक्ति की एनर्जी का लेवल देखना है, युक्ति के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, युक्ति की गाइडेंस में एक्सरसाइज करनी है तो आपको आना पड़ेगा इस क्लब में और देखिए ये मतलब चलिए। थैंक यू।